नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजीबी डिजिटल इंडिया और मैं आपके साथ ज्योति मिश्रा। क्या आमिर खान चुपके से कर रहे हैं थ्री इडियट्स के सीक्वल की तैयारी? बिना करीना को शामिल किए थ्री इडियट्स की तैयारी की जा रही है। करीना को जैसे इस बात का पता चला, उन्होंने इस पर नाराजगी जताई है और साथ ही बोमन को भी इसकी जानकारी दी है। उन्होंने तुरंत बोमन ईरानी को फोन लगाया और इस बारे में बात की। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि ये कोई प्रैंक है या फिर हकीकत। आपको बता दें, बॉलीवुड की जानी मानी सुपरहिट फिल्मों में से एक थ्री इडियट्स भी रही है। राजकुमार हिरानी की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा दिखाया ही था। इसके साथ ही लोगों के दिलों में भी इसने अपने लिए अलग ही जगह बनाई थी। इस फिल्म की कहानी सबको बेहद पसंद आई थी, इसलिए अब थ्री इडियट्स के सीक्वल की खबर के बाद लोग काफी एक्साइटमेंट नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या इस बार करीना को शामिल नहीं किया जाएगा? ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ ही देर पहले करीना कपूर खान ने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम के ऑफिशियल अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें एक्ट्रेस थ्री इडियट्स के सीक्वल पर बात करती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही वो बेहद नाराज भी हैं। करीना कपूर फिल्म के हीरो आमिर खान, आर माधवन, शर्मन जोशी से बेहद खफा है और तीनों को फटकार लगा रही है। इसके साथ ही उन्होंने बातों बातों में थ्री इडियट्स के सीक्वल की भी बात कबूल कर ली है। करीना कपूर ने साफ सीधे शब्दों में तो फिल्म का सीक्वल नहीं अनाउंस किया है, लेकिन एक्ट्रेस की बातों से लोगों ने थ्री इडियट्स के सीक्वल को लेकर क्यास लगाने शुरू कर दिए हैं। वीडियो में करीना थ्री इडियट्स का ही जिक्र करती हुई नजर आ रही है। वे शिकायत करती है कि जब वो हाल ही में अभी छुट्टियां मना रही थी तो सबने एक प्लानिंग की। उन्होंने एक वायरल क्लिप भी देखी जहां आमिर, शर्मन और आर माधवन इस फिल्म को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। करीना ने कहा, ये तीनों जरूर कुछ छुपा रहे हैं, उन्होंने उनसे ये भी छुपाया। फिर उन्होंने बोमन ईरानी को इस बारे में कॉल लगाया। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही राजकुमार हिरानी ने मीडिया से बातचीत करते वक्त फिल्म के सीक्वल को लेकर कहा था कि अभी राइटिंग का काम चल रहा है, वो अपने को राइटर अभिजय जोशी के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि इसमें सीक्वल में कास्ट क्या होगी या फिर प्लॉट क्या होगा, कब तक ये फ्लोर पर आएगी, इस बारे में डायरेक्टर ने कोई डिटेल शेयर नहीं की थी। बता दें, फिल्म थ्री इडियट्स साल 2009 में रिलीज हुई थी, जिसमें आमिर खान रेंचो के किरदार में आर माधवन, फरहान कुरैशी और शर्मन जोशी को राजू रस्तोगी के किरदार में देखा गया था। वहीं फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। वीडियो में करीना हैरानी जताते हुए कहती हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो आखिर सिर्फ इन तीनों ने ही क्यों किया? ये तीनों मिलकर कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं और मुझसे छुपा रहे हैं। प्लीज ये मत कहना कि ये किसी फिल्म का प्रमोशन है। नाराजगी जताते हुए करीना आगे कहती हैं कि ये लोग क्या सीक्वल प्लान कर रहे हैं और वो भी मेरे बिना, ये लोग मुझे कैसे भूल सकते हैं। एक्ट्रेस आगे बोमन ईरानी का जिक्र करते हुए कहती हैं कि क्या बोमन को ये बात पता है, मुझे उसे बताना होगा। आखिर ये चल क्या रहा है, ये बिल्कुल सीक्वल ही लग रहा है। और वीडियो के बीच में ही वो बोमन को फोन लगाने लगती है। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एमजीबी डिजिटल इंडिया। धन्यवाद।